भाई साहब क्या नाम है आप? शिवाजी मिस। कहाँ के रहने वाले? पीपरा मिस। आज आप सलेमपुर तहसील में उप जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पे आप लोग आए हैं, क्या मामला है? हम लोग कई महीने से यहाँ दौड़ रहे हैं, करीब 5-6 महीना हो गया। 124 क्विंटल हमारे यहाँ राशन बेच दिया गया है। 124 चावल अक्टूबर महीने में गांव सभा में राशन ही नहीं मिला किसी को, कर दिए हैं सर। किसी को राशन ही नहीं मिला। उसके बाद 9 डिसमिल जमीन है जिसमें 150 लोगों का पंडोहा बहता है, वो चारों तरफ से कब्जा कर रहे हैं, उनके लिए भी दौड़ रहे हैं हम लोग। एक जगह छरकी था, वो लेखपाल साहब वहाँ गए, उसके बाद भी जुड़वा दिए प्रशासन पे, फिर भी बाउंड्री हो गया। इसमें आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि रोड साफ हो जाए, जो लोग सीढ़ी बनवाए हैं रोड से वो सब लोग हटा लें, और जो जो हाँ अतिक्रमण हट जाए, और जो पंडोहा बह रहा है उसको हम लोग को नाप करके जितना बंजर है दे दिया जाए, कि सार्वजनिक हम लोग शौचालय बना लें जिससे साफ सफाई रहे। बंजर जमीन पे अवैध कब्जा हुआ है, हाँ आप लोग उसको चाहते हैं खाली हो जाए, खाली हो, हाँ हाँ काम में आए। हाँ हेलो, क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ? कह रहे हैं कि छठ के बाद हम देखेंगे। क्या नाम है आपका? कमलेश चौरसिया। कहाँ के रहने वाले? पिपरा मिश्र। आज आप लोग सलेमपुर तहसील में आए हैं और उप जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पे क्या परेशानी? ग्राम सभा का जमीन अतिक्रमण हो रहा है, लोग कब्जा कर रहे हैं साहब, रोड पे भी सीढ़ी बना दे रहे हैं सब, पानी बहवा रहे हैं सब, ग्राम सभा का जमीन कब्जा कर दिए सब, सबका नाली नबदाना जाम हो गया है। और उसके बाद कोटा जो है कोटादार है, 124 क्विंटल चावल और 13 क्विंटल गेहूँ गमन किया है, कोटा दूसरे गाँव में कन्वर्ट कर दिया गया भटौली में। महिलाएं और बच्चे लोग तकलीफ हो रहा है जाने के लिए, जो अपराध है वो पकड़ के जेल जाए, कोटा हमारे गांव किसी के नाम से किया जाए। कोटा पहले कहां था आपके गांव? हमारे गांव में था, ओम प्रकाश कोटादार था वो। तो उनका क्या निरस्त हो गया? हाँ निलंबित हो गया है, लेकिन प्रशासन कार्रवाई करके दूर तो घूम रहे हैं सब, उसके पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि सब निस्तारण किया जाए हमारे गाँव का तकलीफ। तो यहां से क्या आश्वासन मिला? त्यौहार बाद छठ बाद हाँ कार्रवाई की जाएगी, कर जाए। बच्चे लोग स्कूल वाले हैं सब, महिला हैं सब, दूसरे गांव कैसे जाएंगे सब राशन के लिए? अच्छा क्या नाम है आपका? रामेश्वर मिश्रा। किस गांव के निवासी हैं? पिपरा मिश्र के। आज आप सलेमपुर तहसील में आए उप जिलाधिकारी महोदय कार्यालय पे, क्या मामला है आप लोग? हमारे यहाँ कोटे का मामला है, रास्ते का मामला है, ग्राम सभा के जमीन पर अवैध कब्जे का मामला है। यही कोटे का क्या क्या प्रॉब्लम है? कोटा में गबन का 124 चावल 13 क्विंटल गेहूँ गबन है, गबन हो गया है, FIR भी हुआ है, अब घूम रहे हैं सब, और FIR होने के बाद भी गबन का वो पकड़े नहीं जा रहे हैं, अब घरों में घूम रहे हैं गाँवे में। क्या चाहते हैं आप लोग? कोटेदार भी, कोटेदार को अक्टूबर का नहीं मिला है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे गांव में राशन बरोबर बटे, भले दूसरे गांव में गया है तो तकलीफ है, लेकिन आ जाए हमारे गांव में किसी को, इसी को दे दें आप लोग तो वो बांटेगा। यहाँ उप जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? आश्वासन देखेंगे छठ के बाद, छठ के बाद गबन का भैया हाँ।